हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन शांति कोच ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 मल्टीमीडिया। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, सच एज रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स, वॉच वीडियोस एंड मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड प्ले गेम्स। इसे हम आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन गिव यू डाटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो। Which of this is called a medium? ये सब क्या है? Medium है, माध्यम है। A combination of multiple digital media used to present information in an attractive manner is known as multimedia. Uses of multimedia, क्या uses है इसके? Advertising. Multimedia plays a great, a vital role in the field of advertising, as whatever it is, whether print or electronic advertising, they first are prepared on the computer by using professional software and then it's brought in front of the target audience. सबसे पहले इसमें एडवर्टाइजमेंट में एडिटिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद ये हम सबके सामने दिखाई जाती है, ऑडियंस के सामने रखी जाती है। एनकाटा इज एन इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया, ये इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडिया है एनकाटा। ओके, एजुकेशन सेक्टर। इन द एरिया ऑफ एजुकेशन टू मल्टीमीडिया हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। एजुकेशन सेक्टर में भी मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन स्कूल्स देयर यूजेस हैज सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले आवर चिल्ड्रन ऑल्सो। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इसका मेन रोल है बच्चों के लिए। इट इज ब्रॉडली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये भी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए और पढ़ाई के लिए यूज की जाती है। We used audio for imparting education. Even the traditional method were charts, model, etc. were used. Chart, model, etc. इन सब के लिए use की जाते हैं। Mass media, it is used in the field of mass media. ये mass media में की field में use होती है। Journalism in various magazines and newspapers that are published periodically. The use of multimedia plays a vital role in a publishing house as there are many works of newspaper designing and other stuff. ये मैगजीन वगैरह, newspaper वगैरह ये सब डिजाइन करते हैं, ये सब मास मीडिया में आता है। Business presentation. In many companies, presenting information to business profession is required form of communication. Applications are already available for creating great looking presentation and through multimedia this application will become even better and more effective. इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिससे बिजनेस में प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बनाया जाता है, इफेक्टिव बना सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या इसका यूज? मल्टीमीडिया हैड अ वाइड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग ऑडियो, सेंडिंग मैसेजेस एंड फॉर्मेटेड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प इन द live interaction through audio messages and it is only possible with the hyper media. It reduces the time and cost can be arranged at any moment in the emergency. At the same time, it is useful for surgeons as they can use images created from imaging scans of human body to practice complicated procedures such as a brain removal and reconstructive surgery. कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट इज द मोस्ट कॉम्पोनेंट कॉमन मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया टेक्स्ट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स, हेडलाइंस। मल्टीमीडिया में ये टाइटल टेक्स्ट जो है हेडलाइन लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग टेक्स्ट फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड। मोस्टली द टेक्स्ट फाइल्स आर फॉर्मेटेड विद डॉक text, etc. extension. Audio. In multimedia, audio means related with recording. Multimedia में audio का related है recording, playing, etc. Audio is an important component of multimedia because this component increases the understandability and improves the clarity of the concept. Concept को understand समझने के लिए, उसे clear करने के लिए use होती है. Audio includes speech, music, etc. ऑडियो स्पीचेस में, म्यूजिक में यूज किया जाता है। इमेजेस। एवरी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेड टू बेस्ड ऑन ग्राफिक्स। द यूज ऑफ
ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया मेक्स द कंसेप्ट मोर इफेक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। मल्टीमीडिया में जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो उस चीज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, उसकी बहुत इफेक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाती है इमेजेस से। द कॉमनली यूज फॉर सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग ग्राफिक्स विंडो पिक्चर इंटर एक्सप्लोरर, इसमें आप इमेज देख सकते हैं विंडोज पिक्चर और इंटरनेट एक्सप्लोरर से। वीडियो, वीडियो मीन्स मूविंग पिक्चर विथ साउंड, वीडियो में क्या होता है पिक्चर मूव करती है साउंड और उसमें साउंड भी आता है। इट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का। इन मल्टीमीडिया इट इज यूज टू मेक द इन्फॉर्मेशन मोर प्रेजेंटेबल एंड इट सेव लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, और ये हमारा बहुत ही ज्यादा समय बचाती है क्योंकि हम वीडियो के जरिए काफी चीजें आसानी से समझ जाते हैं। एनिमेशन, इन कंप्यूटर एनिमेशन इज यूज टू मेक चेंजेस द इमेजेस सो दैट द सिक्वेंस ऑफ इमेजेस अपीयर्स टू मूविंग पिक्चर्स। एंड एनिमेटेड सिक्वेंस शोज अ नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकेंड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ मोशन इन द यूजर्स आई। एनिमेशन में काफी सारी चेंजेस होते हैं, इमेजेस वगैरह काफी अच्छी होती हैं, मूविंग पिक्चर्स होती हैं तो वो देखने में काफी अच्छी लगती हैं, एनिमेशन काफी अच्छा होता है। तो बच्चों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मीडियम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।